मैं इस वीडियो के अंदर एक लाइन ऐड करना भूल गया था और अभी जस्ट मेरे दिमाग में आई है कि मनी हाइस्ट में तो गाना है बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ, तुम्हारी जो थ्री मंकीज आ रही है इसके अंदर तुम्हारा गाना क्या होगा? थेला लाओ थेला लाओ थेला लाओ। गाइस ये जो वीडियो है ये काफी ज्यादा जोशीला हो सकता है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं अपनी भड़ास निकालने वाला हूँ। और जो भी बॉलीवुड की मूवीज को और बॉलीवुड को बहुत ज्यादा प्यार करता है तो उन लोगों के लिए पहले से वार्निंग है, इस वीडियो को ना देखें, और देखना भी है तो हेडफोन लगा करके देखें। देखो आप लोगों को पता है कि पूरी वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा मूवीज वेब सीरीज शॉर्ट फिल्म शॉर्ट वीडियोस अगर कहीं पे बनते हैं तो वो इंडिया में बनता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा मूवीज हर साल इंडिया में बनाई जाती है। उसके बाद में भी बॉलीवुड हमेशा अपना चूतिया कटवाता है, मतलब हर जगह जाकर के अपने नाक घुसेड़ देता है और अपना चूतिया कटवा लेता है। बॉलीवुड ऐसा क्यों करता है और अब इसने ऐसा क्या नई हरकत करी जिसकी वजह से मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है बताऊंगा। पहले सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करो। क्या है कि तुम लोग खाली वीडियो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हो, और जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक मैं सब्सक्राइब करो 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 बोल के तुमसे सब्सक्राइब करवाऊंगा, ये वादा है मेरा। तो हाल ही के अंदर आपने मनी हाइस्ट वेब सीरीज के बारे में तो सुना होगा और इसको शायद आपने देखा भी होगा और एंजॉय भी किया होगा। हाँ वही प्रोफेसर वाली। तो इस वेब सीरीज की जो हाइप है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ये बहुत सारे लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, इवन इंडिया के अंदर इसकी जो फैन फॉलोइंग है बहुत ज्यादा है और इसको अलग अलग तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, इसके हर जगह शोज हो रहे हैं यार, इंटरव्यूज हो रहे हैं इनके आर्टिस्ट वगैरह के, सारी चीजें हो रही है। और उसके बाद में अभी एक रिसेंट न्यूज निकल के सामने आई है कि भैया बॉलीवुड के अंदर इस वेब सीरीज की एडेप्शन बनाई जा रही है चूतियापा। इस चूतियापे को बनाने का जो काम है वो अब्बास मस्तान ने अपने हाथों में लिया है। मेल लीड के अंदर आपको अर्जुन रामपाल देखने को मिलने वाले हैं और इस एडिशन का नाम रखा है थ्री मंकीज। भोसड़ी के वेब सीरीज कॉपी कर रहे हो, नाम भी कॉपी कर लेते ना। यही नहीं और सुनो, अभी कोरियन ड्रामा स्क्विड गेम नाम की वेब सीरीज आई थी जो कि बहुत बढ़िया वेब सीरीज थी, मतलब आग लगा दी थी भाई उस ड्रामा सीरीज ने, खतरनाक आग लगाई थी। उसकी एडेप्शन भी इंडिया में बनाई जा रही है बॉलीवुड के अंदर। मेरे को समझ में नहीं आता है कि रीजन सिनेमा की जो मूवीज है वो इतनी अच्छी अच्छी मूवीज बना रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी सीरीज निकाल रहे हैं, सारी चीजें निकाल रहे हैं। तुम हॉलीवुड से नहीं सीख पा रहे हो, कोरियन ड्रामा से नहीं सीख पा रहे हो, तो तुम अपने रीजन जो मूवीज आ रही है वेब सीरीज आ रही है साउथ इंडिया की जो मूवीज वेब सीरीज आ रही है उन्हीं से कुछ सीख लो ना यार। मतलब तुमको हर एक चीज में घुसना है, हर एक चीज तुमने कॉपी करनी है। बॉलीवुड के अंदर एक भी ऐसी कोई मूवी नहीं है जिसको तुम बोल सको कि भाई ये ओरिजिनल है, हर चीज कॉपी है, कोई इंस्पायर्ड है। ओरिजिनल के नाम के ऊपर इन लोगों के पास मिलेगा क्या? स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बस ये इस टाइप की मूवीज इनको मिलती है। बाकी जितनी भी बॉलीवुड में मूवीज बन रही है, इवन वेब सीरीज बन रही है, सब रीमेक है और इन दलों को शर्म भी नहीं आती। ये बड़ी शान से जाकर के अवार्ड ले लेते हैं, स्टेज पे जाके अनाउंस कर देते हैं, शर्म नहीं आती है इन लोगों को। बॉलीवुड का नाम चेंज करके रीमेक वुड कर देना चाहिए क्योंकि ये इसी के लायक है और किसी चीज के लायक नहीं है। एनीवे ये मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है बॉलीवुड मूवीज को लेकर के, बॉलीवुड ड्रामास को लेकर के। आप लोगों को पता है कि बॉलीवुड किस तरीके की मूवीज बना रहा है, किस तरीके की हर एक अच्छी वेब सीरीज या हर एक अच्छी मूवीज को वो कॉपी या इंस्पायर करके रीमेक वगैरह करके कचरा कर देते हैं। तो अभी आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि भैया ये जो स्क्विड गेम का और ये जो मनी हाइस्ट का रीमेक वर्जन बन रहा है थ्री मंकीज के नाम पे, जिसमें आपको अर्जुन रामपाल दी प्रोफेसर वाला रोल प्ले करते हुए देखने को मिलेंगे, कितना ज्यादा एक्साइटेड हो उसको लेकर। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए डू गुड बी गुड, पीस आउट।